सावन का दूसरा सोमवार है। इस मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सावन के ही महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। यही वजह है कि सावन के महीने में भगवान महादेव के व्रत और पूजा करने से आदि देव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुरुक्षेत्र के दुखभंजन महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रावण मास का आज द्वितीय सोमवार है और द्वितीय सोमवार कृष्ण पक्ष का है, जो आज भक्तजन बड़े उल्लास के साथ देवाधिदेव महादेव जी को मनाने के लिए अपने अपने घर से डोलुओं में पंचामृत बनाकर ला रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव जी को अर्पण कर रहे हैं और इसके बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से चंदन गंध छत से पूजा कर रहे हैं। जो भी उनकी मनोकामना है देवाधिदेव महादेव जी के चरणों पर रख रहे हैं। भोलेनाथ जी उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही दुखभंजन महादेव है। दुखों को हरण करने वाले हैं, जथा नाम तथा गुणा, जैसा इनका नाम हो ऐसे इनके गुण भी हैं। ये दुखों को हरण करते हैं, इसीलिए इनका नाम दुखभंजन महादेव मंदिर पड़ा। और यहाँ पर लोग दूर दराज से भी लोग आते हैं, अम्बाला, आपके करनाल और ज्योतिश्वर, सभी दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। आज प्रातःकाल से ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है और हमारे मंदिर में कांवड़ियों का भी शिविर लगा हुआ है, जो विशाल कांवड़िया लोग यहाँ आए हुए हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, रहने ठहरने की व्यवस्था सारी की गई है और सभी भक्तजनों को बड़ी उल्लास के साथ यहाँ पूजा करते हैं। सायंकाल की आरती के समय भी हम यहाँ 56 भोग प्रतिदिन लगाते हैं। प्रतिदिन श्रावण में 56 भोग लगता है, जिसकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो आकर यहाँ 56 भोग लगवाते हैं, 56 प्रकार का, और घर से भी माताएं बनाकर लाती हैं और देवाधिदेव को मनाने के लिए सभी लोग पूजा करते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। मैं पुजारी श्री दुखभंजन महादेव मंदिर सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र। दुखभंजन महादेव मंदिर है, लोगों की मनोकामना पूरी करता है। यहाँ पे मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, शिव भोले बिना मांगे ही यहाँ पे दे देते हैं। सावन के महीने में 56 भोग यहाँ पे हर रोज़ लगते हैं और हर सोमवार को यहाँ पे 56 भोग लगाया जाता है। यहाँ पे भक्तों की लगातार भीड़ लगी रहती है, कांवड़ सेवा बहुत अच्छी होती है और सावन के महीने में सुबह शाम नित्य कर्म भगवान की बहुत अच्छे से पूजा होती है। 56 भोग का यहाँ पे नित्य कर्म सावन के महीने में लगता रहता है और यहाँ पे हर मनोकामना जो अपने मन से हम मांगते हैं वो पूरी होती है। बहुत अच्छा भगवान शिव का हमारे दुर्गंधन कॉलोनी में सहारा है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।